ये जो आस्ताना है आले नबी औलाद अली का आस्ताना है, इनके जरिए से वसीला पेश करना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अभी मैंने एक शेर पढ़ना है, तकरीर भी इसी शेर पे खत्म करनी है। अगर आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह तो मैं बिला तमहीद अपनी तकरीर को शुरू करता हूँ। आप जहाँ बैठे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है, जहाँ आप बैठे हैं ये ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, उतरते हैं और ऐसी महफिलों को अपने परों से ढांप लेते हैं। आइए, ये जो जगह जिस जगह पे हम बैठे हैं, किसी चौधरी से हम नहीं पूछते, किसी एमपीए से नहीं पूछते, आइए किसी सूफी बुजुर्ग से पूछते हैं कि हम जो औलिया अल्लाह के दर पे जाते हैं ये कैसा दर है। अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं पढ़ने लगा हूँ। रूमी कश्मीर आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं दर मुर्शिद दा ओ खाना काबा ते हज जरूरी करी, ये जिंदा दिल थरे आखो सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमांदे ने दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी ओ करीम, ये तकवा रख महबूबा वाला ते चल दवारा ओ मली, ये सब तरीफा खालिक कायनात जल्ला जलाल हुदे वास्ते दरूद ला महदूद बेशुमार आका इनामदार मदनीय ताजदार हजूर ताजदार खत्म नबूवत दी बारगाह दे अंदर हदी दरूद सलाम अर्ज करन तो बाद मुअज्जज़ हाजरीन सामईन मुअज्जज़ उलमाए हजरात, मैं बंदा नचीज इस आस्ताने ते सबक सुनाना हाजिर होया। दुआ करो अल्लाह ताला मेनू सही सही सुनाने दी तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान अमीन दे अंदरों 5 सिपारे दे अंदरों सूरत ज़ुखरुफ़ दी एक आयत करीमा तुहाडे सामने पढ़ी है। क़यामत दे मुतल्लक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमांदे अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव, के क़यामत वाले दिन तुहाडे अज़ीज़ व क़ारब तुहाडे अज़ीज़ रिश्ते जिन्ना पिछे असीं जान देण वास्ते तैयार हो जाने आ, अल्लाह फरमांदे क़यामत नूं तुहाडे सारे दुश्मन हो जाने। अब्बा पुत्र दा नहीं बनेगा, पुत्र अब्बे दा नहीं बनेगा, मां धी दी नहीं बननी, धी मां दी नहीं बननी, या इलाही फिर उथे की बनेगा साडे वेले, औखे वेले काम कौन आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा इल्लल मुत्तकीन, ओ नेक लोग होणगे जिहड़े तुहाडे काम आणगे, उहनां विच इक जमात अली शाह भी होणगे। तवज्जो नहीं तुसीं फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा उहनां विच पीर सैयद जमात अली शाह भी होणगे, हजरत पीर अली हुसैन शाह साहब भी होंगे, सैयद अबू हुसैन शाह साहब भी होंगे। जो साडे बारे निकम्मिया दी वारी आएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा हाँ भाई दुनिया ते की करके आए हो, असी इशारा करेंगे हजूर मेहरबानी फरमाओ ना सारी जिंदगी जिन्ना चिर तुहाडे हत्थां विच हाथ दित्ता लंगर तुहाडा खांदे रहे हां, लंगर तुहाडा खांदे रहे हां, पीर जी मेहरबानी फरमाओ। लिहाजा असी उन्हां पीरां नूं नहीं मनदे जिन्हां नूं अपनी खबर ना होवे, असी उन्हां नूं पीरां नूं मनने आ जिन्हां नूं अपने रब दी भी खबर है, अपने गुलामां दी भी खबर है। अज जिहड़ा जनाब चार मनके पा लैंदा उहदे वड्डा पीर ही कोई नहीं, ना ना पीर उहनूं मन जिहड़ा शरीयत दा पाबंद होवे, पीर उहनूं मन जिहड़ा नबी दा गुलाम होवे, जिहड़ा शरीयत नूं मानदा होवे, ओ जिहड़ा शरीयत दीआं हद्दां तोड़े, जिहड़ा खुद नमाज ना पढ़े, जिहड़ा चरसी भंगी होवे, ओ पीर नहीं हो सकदा। पीर ओही हुंदा है जनाबी अली मेरे दादा ने जनाबी अली लाहौर विच बह के खाना खाबा विखाया, दस्या लोगो पीर एवें दा हुंदा है जिहड़ा बैठा लाहौर च होवे ते विखा मदीना देवे। मैं गल मुख्तसर करां, नमाज दा टाइम ही करीब है, बस गल समझ आ गई ते मेरी तकरीर दा मुल पै जाणा है। पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दे गुलाम से खादम से जिहड़े आप दी खिदमत बड़ी करदा सी, की करदा सी
बड़ी खिदमत करनी, पानी पिलाना, वजू कराना, सारे काम उन्हें करने। एक दिन पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह जोश में आए, आपने फरमाया बड़ी ने मेरी खिदमत की थी, आपने फरमाया बेलिया बह जा। पीर मेहर अली शाह साहब को बह गया। पीर मेहर अली भी कोई आम बंदा नहीं, पीर मेहर अली ओ है जिन्हें मेरे नबी नू वेख्या ते आख्या इस सूरत नू मैं जाना था। चलो मैं तुहाडी जबानी कह लेना, पीर मेहर अली फरमांदे ने इस सूरत नू मैं जाना था, जाना था के जाने जहाना था, साचिया था के रब दी में शाना था, जिस शान तो शाना सब बनिया। ओ पीर मेरे अली दी मैं गल करन लगा, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा खदम बह गया। पीर मेरे अली शाह फरमांदे ने बेलिया तू मेरी बड़ी खिदमत की थी है, आज मेरा दिल पे कर दे तेनू कोई तोहफा देवा, तेनू कोई इनाम देवा। गुलाम अर्ज कर दे सोनियो मेहरबानी फरमाना, आपने फरमाया तोहफा वड्डा देने आ, आपने फरमाया मेरा दिल कर दे तेनू मैं अपने नाने दे कोल ना कर देवा, मेरा दिल कर दे मैं अपने नाने दा वेड़ा ना विखा दिया। अर्ज की हुजूर इस तो वड्डा तोहफा ही कोनी, मेहरबानी फरमाओ। चला गया, वापस आया। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा, जब वापस आया ना तो पीर मीर अली शाह साहब रहमत अल्लाह बारगाह के अंदर खजूर आबे जमजम का पानी लेके आया। तो पीर साहब पूछते ने हाँ जी वेखाया फिर मेरे नाने का रोजा, वेखाया मेरे नाने का रोजा, मेरे नाने का वेड़ा किवें दे। कह लगा जी सारा कुछ वेखी है। आपने फरमाया अच्छा तू इन देर रह गया, कुछ सिख की गई है तो इवें ही आ गए। अज भी कोई बेली कहते ना तुम पीर को जाते तो मिलता की है, मैं सानू रब मिलता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे ते। आपने फरमाया भी इन्ने दिन रह के कह लगे जी होर तो मैं कौन याद, मैं एक तरीका सीख के आया। आपने फरमाया कड़ा आप टेक ला के बैठे सन, वह मरीद कह लगा जी उत्थे मैं ना बांह फड़न दा वल सीख के आया। की वल सीख के आया? बांह फड़न का वल सीखिया। जेड़ा मैं जिंदी मैं बांह फड़ ला ना वह छुड़ा नहीं सकता, जिंदी बांह मैं फड़ ला तरीका ही है मेरा सीख के आया, जिंदी बांह मैं फड़ ला वह छुड़ा जिड्डा मर्जी कोई जोर वाला हो। आपने फरमाया चलिया तू होर काम कोई नहीं सीख के आया, सिर्फ बांह फड़न का वल सीख के आए। वह मरीद कह लगा पीर जी तुम फड़ानी ते आ जाओ, पीर जी तुम मैं फड़ानी तो छुड़ा लो। आपने फरमाया मैं एक मिनट च छुड़ा लैनी है। कह लगा जी पीर सब चढ़ाई कर लो। जनाबी वाली मरीद कह लगा जी पीर जी आओ मेरे सामने मुकाबला करने हैं। पीर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाया चल आ जा बेलिया। पीर मेरे लिए शाह साहब रहमतुल्लाह लेने अपने मुरीद की बांह फड़ी, जो बांह फड़ी है वह मुरीद कह लगा पीर जी घुट के फड़ लिया जे मैं छड़ा लेनी है। पीर मेरे लिए शाह फरमाते ने चलिया जिंदी बांह मैं फड़ ला उन्होंने छड़ा नहीं सकता। वह मुरीद फिर कहता पीर जी देख लिया जे मैं छड़ा लेनी है। जनाबी अली पीर साहब जलाल जंगल आ गए, आ फरमाया छड़ा तो सही जो छड़ाएगा पता लग जाएगा। और जनाबी अली जो पीर साहब ने बांह घुट के फड़ ली कह लगा पीर जी पीर जी जिवें बां अज घुट के फड़ी है ना कियामत नूं भी ना छड़िया जाए। अज मैं साबित करना चाहना अज कियामत दा दिन अल्लाह ने फरमाया कियामत नूं तुहाडे रिश्तेदार मुबारक हो। किसी ने बांह फड़ी पीर जमात अली शाह दी,
किसी ने जनाबी अली बाह फड़ी है पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब की, किसी ने बाह फड़ी है पीर सैयद अहमद हुसैन शाह साहब की, किसी ने बाह फड़ी है पीर तरीकत रहबरे शरीयत। मेरे बारे में कन्या ने भी जनाबी अली पीर तरीकत रहबरे शरीयत हजूर असे नक्शे लसानी पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब की। इस वास्ते असि आज भी कहने कियामत नु यही कहते रहेंगे कि वली अल्लाह दे उमर देनाही कर दे परदा पोशी वली अल्लाह वली अल्लाह दे सजनों वली अल्लाह दे मर देनाही कर दे परदा पोशी वली अल्लाह दे मर दे नहीं 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 कर दे परदा पोशी की होया जिस दुनिया तो कुरान मजीद फुरकान अमीर दी को रात पढ़नी है उस वक्त इजाजत तलब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक्कुल्लाह वब्तगु इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमांदा ए ईमान वालों अल्लाह को डरने और अल्लाह रब्बुल इज्जत को डरन दे नाल नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कोल पहुंचन वास्ते वसीला भी तलाश करने। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेहतरीन जड़ा वसीला है ना साडे को अल्लाह दे करीब होने वास्ते और औलिया इकराम दा फिजान है। हजरत ग्रामी साडा इत्थान दा मकसद ए ही हुंदा है कि असीं अपने पीर दी बारगाह च हाजिर होईए साडे पीर दी एक नजर करम होवे। जिदो पीर दी नजर करम होंदी है ना फिर ए दुनिया भी जनाबी आली उस बंदे नूं सलूट करदी है कब्र दे अंदर फरिश्ते भी जनाबी आली सलामियां पेश करदे ने। लेकिन बंदा किसे दा हो के मरे बंदा किसे दा जो किसे दा हो के मरांगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला हर पासे जनाबी अली दुनिया ही दुनिया होएगी। जो बंदा किसे दा हो के नहीं ना मरदा तो फिर जनाबी अली उंदे पल्ले कुछ भी नहीं होंदा। सहाबा इकराम आले मुरीदवान ते हजूर दी नजर करम है ना कि हर पासे सहाबा दी जनाबी अली शानियां बयान होंदियां ने। इस वास्ते असीं भी यही कहने आं करम की इक नजर हम पर खुदा रा बार करके अपने नबी का नाम लेने क्योंकि अस दुनिया के अंदर असी आए नबी की वजह तो असी कफर में जान छुटनी है नबी की वजह तो हशर के दिहाड़े में जान छुटनी है नबी की वजह तो या रसूल अल्लाह का जो नारा आवे ये नारा सुनियों की जान है सुनियों का ईमान है इस नारे के बार गुजारा नहीं। जो या रसूल अल्लाह आवे हाथ खड़े करके कहने सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह जिथे होते गरीबां दा गुजारा मुस्तफा जा 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 सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला जिनकी हर हर सुनते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत पेला फौसला मुस्तफा जाने रहमत पेला फौसलाम शमाए बज़्मे हिदायत पेला असलामे गुलशने वहदत के फूल ये सलामे आज जाना हो कबूल।
तमाम दोस्त एक दफ़ा सूरह फातिहा, तीन दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़िए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليك يا اله العالمين يا مالك المولى هر سو سماوات کے خالق و مالک عرش مقدس کی اس تقریب سعید کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما تلاوت کلام پاک سے لے کر سلام تک جو بھی پڑھا پڑھایا گیا میرے اللہ سب کو अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इसका सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, औलाद पाक, अजवाज मुताहरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की बारगाह अकदस में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदा अमीना सलामुल्लाह अलैहा तक आपका नूर पाक जिन पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हुआ सैयदा आमीना सलामुल्लाह अलैहा तक पहुंचा, उन तमाम नफूस कुदसिया की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया और रसूल की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी सहाबा इकराम सहाबियात ताबीन तबा ताबीन आइमा मुज्तहिदीन तमाम सुलहा फुसहा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आइमा अरबा औलिया उज़्ज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस हुज़ूर क़िबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह साहिब लासानी नव्वर अल्लाहु मरकदा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। पीर सैयद खादिम हुसैन शाह साहब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। पीर सैयद आबद हुसैन शाह साहब अलैह रहमा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। पीर जमात अली शाह साहब अलैह रहमा की आले पाक आपकी औलाद में से, आपके मुरीदों में से, आपके रुफाकाओं में से जो जो भी आपके साथी मुरीदीन मुहिब्बीन मुतल्लिकीन मुतवस्सलीन इस दुनिया फानी से तशरीफ ले गए हैं, अल्लाह सब की बारगाह में दर्जा बदरजा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाहा अलामीन हुजूर क़िबला पीर सैयद गुलाम रसूल शाह सब शेराजी का फैज़ान हम सब के लिए जारी व सारी फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इस दरगाह की बरकतें हम सब को अता फरमा। जो भी साथी दुआ में शामिल हैं, हम में से जो भी जिस बीमारी के अंदर भी मुबतला है, ऐ मेरे अल्लाह इस दरगाह पाक का सदका सब बीमारों को शिफा अता फरमा। रूहानी बीमारी उसे जिस्मानी बीमारियों से शिफाए कामिला नसीब फरमा। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी मौत भी बेहतर फरमा, हमारी कब्र भी बेहतर फरमा, हमारा हशर भी बेहतर फरमा, और कल क़यामत वाले दिन हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ज़िंदगी शान की और मौत ईमान की अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन वालिही वसहाबिही अजमाइन बिरहमतिही। तमाम अहबाब वहाँ पर ही अपने